ध्रुव राठी ने अपना जो नैरेटिव सेट किया है, उस लड़के ने नैरेटिव कैसे सेट किया है कि एक स्वीडिश स्वीडन की एक वेब सीरीज है कैलिफेट, जो नेटफ्लिक्स पर है, 2-3 साल से पड़ी हुई है। कैलिफेट का मतलब होता है खलीफा, और जितने इनके जो ये जो सीरिया पर आईएसआईएस वालों ने कब्जा किया हुआ है, तो ये सब कहते हैं कि खलीफा जो है वही वही रहता है, और खलीफा के जो समर्थक हैं उन सबको वहीं पर जुट जाना चाहिए। तो उस कैलिफेट में इसने ये नैरेटिव दिखाने की कोशिश की कि जो केरला स्टोरी है वो सेंसेबल नहीं है, ये केवल इस्लाम के खिलाफ चलती है। और अपने उस वीडियो में इसने ये भी कहा है कि उसमें कोई भी एक अच्छा करेक्टर नहीं दिखाया गया, जितने भी ठीक है। मुस्लिम करेक्टर हैं सबको खराब दिखाया गया है, जबकि ये गलत बात है। उसमें एक महिला दिखाई गई है जो अदा शर्मा, जो फिल्म की मेन करेक्टर है, उसकी हेल्प भी करती है, उसको बच्चा डिलीवर कराने में हेल्प करती है, दूसरी वहां से निकालने में भी उसकी हेल्प करती है। ऐसा नहीं है, डायरेक्टर ने उसे बैलेंस तरीके से बनाया है। तो ध्रुव राठी के उस वीडियो को देखने के बाद मैं आपको बताऊं कि मैंने 10 घंटे के अंदर ही उसके 6 एपिसोड देखे कैलिफेट के, कि मैं देखता हूं कि ये क्या नैरेटिव दिखा रहा है। केरला स्टोरी उसका 10% भी नहीं है, जितना भयावह रूप उसमें दिखाया गया है कैलिफेट में। केरला स्टोरी 10% नहीं है। ये जो आप लेफ्ट इकोसिस्टम की बात कर रहे हैं, ये तो इन्होंने हाय तोबा मचा दिया है, इन्होंने कैलिफेट नहीं देखी है, ये सीधे धड़ाम से नीचे गिरे हैं केरला स्टोरी देखने के बाद, क्योंकि वो इंडिया के परिप्रेक्ष्य में बनाई गई है। और निश्चित रूप से ये जो फिल्म है कैलिफेट से प्रेरित है। कैलिफेट में क्या दिखाया गया है? कैलिफेट में फ्रेंच लड़की का इस्लामीकरण दिखाया गया है, स्वीडिश लड़की का इस्लामीकरण दिखाया गया है, और वो लड़की, स्वीडिश लड़की, इस्लामीकरण हो जाने के बाद सीरिया चली जाती है कि साहब मैं खलीफा के वहां पे रहूंगी। और वहां जाके जब देखती है कि वहां लड़कियों को घर से बाहर नहीं निकलने देते, उनके उनके पास मोबाइल नहीं रख सकते क्योंकि शरिया में, इस्लाम में हराम है। ये बात केरला स्टोरी में भी कही गई है। वो लड़की कहती भी है, हीरोइन अदा शर्मा, कि जब ये आप मोबाइल फोन कैसे शरिया में हराम हो गया, उस समय तो मोबाइल फोन थे ही नहीं, जब शरिया का निर्माण हुआ आपके, उस समय कहाँ थे मोबाइल फोन। ये आपने मनगढ़ंत बना ली अपनी तरफ से कहानियां। तो कैलिफेट में इससे भी भयंकर रूप दिखाया गया है। और मैं आपको बता दूं कि जिस स्थिति में आज केरल है, इस हालत में पिछले 5-7, 5-6 साल पहले ही पूरा यूरोप पहुंच चुका है कि सीरिया से लगे हुए जितने भी कंट्री हैं, यूरोप का जितना भी पार्ट है, आप देख रहे होंगे टर्की, ईरान, हॉलैंड, फ्रेंच, फ्रांस, कोई ऐसा देश बचा है जहां पर आईएसआईएस ने हमला नहीं किया हो? वो तो कुचलता चला गया था पता नहीं अनगिनत कितने लोगों को। इतना भयंकर उस फिल्म ने प्रस्तुतिकरण किया है। और मुझे लगता है कि उस फिल्म को, उस वेब सीरीज को देखने के बाद कोई भी इस देश का व्यक्ति यह नहीं कह सकता कि केरला स्टोरी एक फेक स्टोरी है या इसमें सच्चाई नहीं है। और मैंने तो अपने ट्वीट में भी लिखा, आपने यूट्यूब की बात जो की थी, ध्रुव राठी को स्पेशली मैं कहना चाहता हूँ, ध्रुव राठी को खुद यूट्यूब का प्लेटफॉर्म प्रमोट करता है। आप ये बताइए कि लेफ्ट इकोसिस्टम वाले जितने भी लोग हैं, यही लोग तो अजीत अंजुम को देखते हैं, यही रवीश कुमार को देखते हैं, यही लोग ध्रुव राठी को देखते हैं, उन्होंने तो 10-10 लाख बार देख ली। और ये जो हम जैसे राइट विंग वाले लोग हैं, जिन्हें ये गोदी मीडिया और पता नहीं क्या क्या कहते हैं, हम सबके वीडियोज को मिला के भी 10 लाख लोगों ने नहीं देखा है। ऐसा कैसे संभव है? आप बताइए कि ऐसा कैसे हो रहा है? ये एक बहुत ही विचार करने वाला एक वो है, जैसे कि कहते हैं कि कश्मीर फाइल्स में जिस तरह से कहा था कि ठीक है सरकार किसी की भी हो लेकिन सिस्टम हमारा है। अभी भी इस सिस्टम पर यहां से लेके और वहां तक, अमेरिका तक, यूट्यूब सब जगह अभी भी उसी उसी माइंडसेट के लोग बैठे हुए हैं। आपके वीडियो को प्रमोट नहीं करेंगे। ध्रुव राठी का वीडियो 1 घंटे के अंदर 5 लाख चलता है, ये एक बहुत बड़ा चौंकाने, और उसका मेरे ख्याल में ये जो वीडियो है आप देखना, रिकॉर्ड तोड़ेगा और उसके बेस्ट वीडियोज में जाएगा ये। ध्रुव राठी इस बात वो को तो जानता था कि मेरा ये वीडियो डलते ही वायरल होगा, इसलिए उसने सारे तथ्य ऐसे लिखा है। उसने कहा है उसमें कि जो औरतें हैं उनमें दिमाग नहीं होता, और क्या औरतें अपने दिमाग से नहीं सोच सकती कि उनका धर्मांतरण किया जा रहा है? इसमें लड़कियों को दिखाया गया कि उन्हें बहका लिया गया। अरे वो औरतें नहीं है, उस बेवकूफ को कोई ये बताए कि वो औरतें नहीं, वो 12वीं माइनर पास लड़की। लड़कियां हैं जो नर्सिंग स्कूल में एडमिशन लेती हैं, उनको बहकाया गया, उनको ब्रेन वॉश किया गया है। तो ये सब मिले हुए हैं और नीचे से ऊपर तक सारा सिस्टम एक है। और आपको मैं एक चीज और बता दूं कि ध्रुव राठी, ये जो राठी शब्द है,
इसका सीधा ताल्लुक जो है हमारे पश्चिमी उत्तर प्रदेश से है, जाट कम्युनिटी का गोत्र है राठी, ये पश्चिमी उत्तर प्रदेश से बिलोंग करता है। मैं एग्जैक्टली मैं जानता नहीं है कहाँ से है, और कि ये जर्मनी में रहता है और अभी इसने एक डेढ़ साल पहले ही वहीं की विदेशी लड़की से शादी की है। इंडिया ये कभी नहीं आता, और इंडिया ये सिर्फ एक बार आया था जब अरविंद केजरीवाल ने अपने स्कूलों का जो प्रदर्शन करना था कि मैंने वर्ल्ड क्लास स्कूल बनाए हैं, तो अरविंद केजरीवाल ने, आतिशी उस समय मंत्री नहीं थी और काम कर रही थी एजुकेशन डिपार्टमेंट में, तो आतिशी के माध्यम से इसको पैसा पहुंचाया गया था ध्रुव राठी को, और ये अपनी टीम लेके आया था और इसने वीडियो बनाया था। और फिर दूसरी बार ये तब आया था जब वाराणसी में नरेंद्र मोदी के लोकसभा क्षेत्र की इसने रिपोर्ट बनाई थी और दिखाया था कि देखिए यहाँ टॉयलेट ऐसे पड़े हुए हैं, यहाँ ये गंदगी है, यहाँ ये गंदगी है। और सुप्रीम कोर्ट को जब यही बात उन्हें, जब ये एस्टेब्लिश उन्हें करना ही था कि जो सेंसर से पास है फिल्म उसको क्यों बैन कर रहे हो, तो उस पर आज ही क्यों नहीं अपना वर्डिक्ट दे दिया कि भैया क्यों बैन कर रहे हो, खत्म करो इसमें, उसमें नोटिस जवाब दो, फलाना करो, उस डेट में आओ, ये हुआ। और देखिए बात ये नहीं है, इस फिल्म के रिलीज होने से देखिए अभी कुछ स्टेट ऐसी हैं, बीजेपी शासित राज्य कुछ ऐसे हैं जहां पे अभी ये टैक्स फ्री नहीं हुई है, अभी उत्तराखंड में नहीं हुई है। पुष्कर सिंह धामी ने अपने मंत्रियों के साथ ये फिल्म 2-3 दिन पहले देखी लेकिन अभी नहीं किया। इस समय क्या है स्थिति कि इस समय सिनेमा का जो उद्योग है खासतौर से बड़ी खराब हालत में है, तो सब जगह योगी जी ने भी कुछ रिलीज होने के कुछ दिन के बाद इसको टैक्स फ्री किया है। तो सिनेमा उद्योग वालों की डिमांड ये थी, उन सब लोगों ने ये कहा था कि साहब हमने इसके टिकट बहुत कम रखे हैं और इसलिए आप इस फिल्म को अभी 5-7 दिन चलने दे, ऑलरेडी ये टैक्स फ्री के रेट में चल रही है, 100-150 रुपए का टिकट है इसका, उसके बाद आप टैक्स फ्री कर देना। तो ये थोड़ा सा सिनेमा वालों की भी डिमांड थी इस बारे में। और बंगाल का तो छोड़ दीजिए, बंगाल में तो जिस दिन बैन हुई उस दिन में किसी ने यूट्यूब पे वीडियो बनाया हुआ था, वहां पब्लिक की ओपिनियन थी, जो लोग सिनेमा से बाहर निकल रहे थे, तो वो यूट्यूबर उनसे ये पूछ रहा था कि आप इस फिल्म को देखकर निकले हैं और अभी अभी इसको यहाँ बंगाल में बैन कर दिया गया है, तो आपने क्या, आपकी क्या राय है। एक भी बंदा ऐसा नहीं था जिसने ये कहा हो कि ये बिल्कुल ठीक बैन किया, उन सब ने ये कहा कि भाई ये तो बहुत गलत किया, हम तो देखने के बाद अब हमें ये रियलाइज हो रहा है कि अपने बच्चों को जो हम हॉस्टल में और पढ़ने के लिए बाहर भेजते हैं, अब अपने बच्चों को अपने पास रखें, ज्यादा से ज्यादा समय उनके साथ गुजारें और इस पर नजर रखें कि हमारे बच्चे किससे मिल रहा है, कहाँ उठ बैठ कर रहा है, कहाँ कैसे कर रहा है। तो ये तो अवेयरनेस फैलाने वाली फिल्म है और आप इसको बैन कर रहे हो, तो लोग तो देखेंगे अब। और जहां तक फिल्म की बात है, 40 करोड़ में बनी है फिल्म, तो ऑलरेडी बहुत प्रॉफिट में जा चुकी है। अभी एक फिल्म आ रही है IB71, अनुपम खेर और विद्युत जामवाल की, इसी हफ्ते रिलीज हुई है। उसमें जो है पाकिस्तान के में एक ऑपरेशन था उसके बारे में दिखाया गया है। बहुत सारी फिल्में आने वाली है ऐसी, तो सतीश जी ने सही कहा, बॉलीवुड वालों को तो ये घर बैठे बैठा है फार्मूला मिल गया, बॉलीवुड की तो हालत वैसे ही खराब है। साउथ वाले तो फिर भी बहुत अच्छी अच्छी फिल्में बना रहे हैं, देशभक्ति से जुड़ी हुई अपनी कल्चर को दिखाने वाली कार्तिकेय जैसी फिल्में आई हैं, लेकिन बॉलीवुड में खासतौर से किन लोगों का इस पर ध्यान गया है, वो डायरेक्टर जिन्हें करण जौहर और जो बड़े बड़े मीडिया, जो बड़े बड़े हाउस हैं फिल्में बनाने वाले, वो एंट्री नहीं करने दे रहे थे। विवेक अग्निहोत्री को कौन जानता था, 4 फिल्में पहले भी बना चुका है वो विवेक अग्निहोत्री, लेकिन कश्मीर फाइल से पहले कोई नहीं जानता था। ताशकंद फाइल इस कश्मीर फाइल से भी बेहतरीन फिल्म है जिसमें शास्त्री जी के हत्या के मामले को दिखाया गया, लेकिन अब लोगों को मंच मिल रहा है, लोगों को ये इस बात, अब फिल्म बनाते समय उसे ये दिक्कत नहीं हो रही है कि मेरी फिल्म कहीं बैन ना कर दी जाए, फंसा नहीं ना दी जाए। ये जिन्होंने आंधी जैसी फिल्म जो है कांग्रेसियों ने रुकवाई थी, संजीव कुमार वाली आंधी जिसमें इंदिरा गांधी की लाइफ पे बताए जाते हैं, वो बैन रखी थी, वो तो जनता पार्टी सरकार आई थी तो उन्होंने दूरदर्शन पे उसका प्रीमियर कराया था। तो अब साहस बढ़ेगा और ऐसी फिल्में और आएंगी, लेकिन मेरा सब लोगों से चलते चलते यही निवेदन है कि केवल फिल्म को सिनेमा हॉल में जाकर देख लेने से ये सब कुछ नहीं होगा, उन चीजों को अपनाना पड़ेगा, जागना पड़ेगा, ये सब चीजें देखनी पड़ेंगी। उस फिल्म में एक कहती है, वो केरला स्टोरी में एक लड़की ऊपर थूकती है अपने बाप के ऊपर हॉस्पिटल में जाकर, कि मुझे जो है ये कहा गया कि अपने बाप पर थूको, ये काफिर है। तो वो कहती है उससे कि पापा आपने हमें अपनी कल्चर के बारे में क्यों नहीं बताया कि हमारी हिंदू कल्चर इतनी रिच है और इतनी बढ़िया, इतनी ओपन है, तो आपने उसके बारे में हमें बताया नहीं। उसने हमें तर्क दिया कि आपके शिव जी तो अपने अपनी पत्नी को नहीं बचा सके, आपके रामचंद्र जी तो है वो बंदरों की फौज लेके रावण को मारने गए थे, कि हमारे पास उन्हें बताने के लिए तर्क ही नहीं था, उनके तर्क काटने के लिए हमारे पास जवाब ही नहीं था। तो ये चीजें हमें अपने बच्चों को बतानी पड़ेंगी, फिल्में देखने से कुछ नहीं होगा।
अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशंस के लिए बेल आइकन को प्रेस करें।